टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमा की नमाज अदा की गई है। आपको बता दें कि एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से जुमे के नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, मगर हजरत मुईन मियां ने लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल ना होने का आह्वान किया था। और आज मुमरा शहर के हर मस्जिद के सामने पुलिस का बड़ा बंदोबस्त लगाया गया था ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही लोगों ने भी समझदारी से काम लिया और जिस तरह से हजरत मोइन मियां ने एहतजाज ना करने की अपील की थी, लोगों ने उस अपील को भी स्वीकार किया और शांतिपूर्ण तरीके से जुमा की नमाज अदा की और लोग अपने घर को चले गए। आज कहीं किसी किस्म का एहतजाज वगैरह नहीं हुआ जो आपको तो क्या मामला रहा, जुमा की नमाज कैसे रखा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर गुस्सा तो है, जब तक नपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक मुसलमानों के दिल को सुकून मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है और मुसलमानों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो ईमान का आला दर्जा है। अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं है तो समझ लीजिए किसी का ईमान कामिल नहीं है। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुमरा में नहीं पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों के दिल के अंदर गुस्सा है। अब आज जुमा का दिन था, मुसलमानों का गुस्सा बाहर होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने, मिल्ली तंजीमों ने, हमारे मजहबी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि आप हजरात शांति से सुकून से जुमा की नमाज अदा करें, किसी किस्म का कोई एहतजाज ना करें। इस वजह से आवाम लोगों की कदर करते हुए और अपने दिल के ऊपर पत्थर बांध करके बहुत ही सुकून से नमाज पढ़ा और दुआएं की मस्जिदों के अंदर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को हमेशा हमेशा चार चांद लगाए और आला दर्जे की इज्जत अता फरमाए और मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा अता करें। गिरफ्तारी को लेके खासकर जमीयतुल उलमा किस तरह की कानूनी कार्रवाई करे, कैसा दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, जमीयतुल उलमा हमेशा कानूनी कार्रवाई करती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कभी हाई कोर्ट में जाती है और गुस्ताखे रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए भी जमीयतुल उलमा कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनकी जुबान बंद हो और मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून बने कि किसी भी मजहबी रहनुमा के लिए कोई भी उल्टी सीधी बात ना करे। जमीयतुल उलमा इस पर ज़्यादा जोर दे रही है और लोगों से शांति की अपील कर रही है। हर एतबार से हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जमीयतुल उलमा, आज आप देख लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीयतुल उलमा की कल एक अपील सुनी गई और बुलडोजर चलाने के ताल्लुक से यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और 3 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। तो जमीयतुल उलमा की कोशिशें रहती हैं, लोगों से जमीयतुल उलमा अमन सलामती की अपील करती है और आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत के लिए जमीयतुल उलमा हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।